तो गाइस आप सभी का वेलकम है फिर से एक और नई वीडियो के साथ। अपन खेलने वाले हैं रेन सिमुलेटर का एपिसोड नंबर 69। और कल लास्ट वाला एपिसोड के अंदर अपन ने पूरे के पूरे 2 मिलियन डॉलर तक कंप्लीट कर लेते। वैसे वो सिर्फ 9999 हुए थे, उससे ज्यादा हो ही नहीं रहे थे। और आज फाइनली अपनी सबसे बड़ी चीज अपना हॉर्स का अपडेट आ चुका है, जिसका अपने को काफी बेसब्री से इंतजार था। तो अपन हॉर्स को भी लेके आने वाले हैं, बट वो अपने विलेज में नहीं मिलने वाला, वो किसी दूसरे विलेज में मिलने वाला है। तो उसके लिए पहले अपने को बस स्टॉप पे जाना होगा, वहां से टिकट कटानी होगी और बाद में दूसरे विलेज से अपने को हॉर्स लेके आना होगा। और हॉर्स भी कुछ ऐसे नहीं मिलने वाला कि अपन गए और अपने को शॉप पे मिल गया, उसके लिए अपने को बोली लगानी होगी, जो ज्यादा रुपए देगा उसी को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ का जितना भी काम है ना वो सारा का सारा कंप्लीट करते हैं, ताकि बाद में अपन आराम से लेके आ सके, अगर अपने को टाइम लगे तो भी कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले अपन गाय को देखते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गाय जी, क्या हाल चाल है? देखो आज मैं लेके आने वाला हूँ खतरनाक सा घोड़ा, आपको मैं दिखाने वाला हूं अंदर की साइड में लाके कौन सा शानदार सा होता है। तो सबसे पहले तो अपन इनका खाना चेक कर लेते हैं। खाना इनका फुल है और पानी भी इनका फुल है, बस अपने को इनका मिल्क निकालना है और बाद में यहाँ का काम पूरा का पूरा डन हो जाएगा। सबसे पहले इसका दूध निकालते हैं। और बाकी है ना गाय भी कह रही है आज मेरे को भी ला के दिखाना कि कैसा सा अपना हॉर्स आया है। बाकी देखो हॉर्स अपने ना एक टाइप के नहीं, 3-4 टाइप के हैं, जो कि खतरनाक खतरनाक हैं और उन सभी का स्टेमिना भी अलग अलग होने वाला है। तो अपन चेक करके बाद में लेके आने वाले हैं, ऐसे ही नहीं कि कोई भी उठा लिया उसको अपन लेके आ गए। तो ये वाला दूध तो मैंने निकाल लिया इस वाली गाय का, था इसको डालते हैं यहाँ पे इस वाले मिल्क कैन के अंदर। अभी अपनी जो दूसरी वाली गाय है उसका अपन यहाँ पे इसका निकालने वाले हैं। अभी मैंने मिल्क तो तीनों की तीनों गायों का निकाल लिया, अब इसको भी डालते इसके अंदर। वो जो अपना ये वाला मिल्क है ना ये भी फुल हो चुका है। अभी देखो यहाँ का काम हम नशा का साडन हो चुका है। बाय बाय गाय जी, तीनों को बाय बाय। बस अभी अपन जाने वाले हैं दूसरे विलेज में, वहां से लेके आने वाले हैं। अभी सबसे पहले अपने को चलना है अपने चिकन के पास। वैसे चिकन शेयर काफी ज्यादा कम है क्योंकि लगभग मैंने सारे को सारे मार दिए हैं, बस थोड़े बहुत ही अपने पास चिकन बचे हैं। गेट को खोलते हैं और अंदर की साइड में चलते हैं। इस साइड में मे भी मेरे को जहां तक याद है सिर्फ अपने पास 2 ही चिकन है, उससे ज्यादा चिकन भी नहीं है। और यहाँ पे अंडे देख रहे हो कितने ज्यादा अंडे हो रखे हैं। एक चिकन अपना यहाँ पे ऊपर की साइड में है और एक अपना नीचे की साइड में है, बाकी तो साइड तक नहीं है, बाकी और कोई भी नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है। और खाना और पानी इनका फुल है और अंडे की जब बात करते ना भाई वो आज भी अपने पास नहीं है। और तो फाइनली अपन पक्का घोड़े के ऊपर जाके लेके आने वाले अपनी अंडे की बास्केट है वो भी। और इस साइड में देखे तो यहाँ पे भी अपनी सिर्फ और सिर्फ 4 ही मुर्गियां हैं, 3 तो अंदर की साइड में पता नहीं क्या खेले, घूमर घूमर खेले, तीनों अपने आप ही घूम रही थी, अभी तो रुक चुकी है अपने को देखते ही। बाकी यहाँ पे भी इनका खाना और पानी पूरा का पूरा फुल है, इसको भी बंद करते हैं। और लास्ट लास्ट में यहाँ पे तो भाई आप देख के सो के जाओगे, यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे अपने 3-3 चिकन से वो मरे पड़े हैं, लेकिन जो अपना डब्बा वगैरह फुल हो रखा है तो इनको अपन डाल नहीं सकते, इसके लिए अपने को डब्बा लेके आना होगा। तो वो भी अपन लेके आने वाले हैं। यहाँ से पहले तो बाहर चलते हैं और यहाँ का जितना भी खाना और पानी था ना वो सारा का सारा मैंने फुल कर दिया। अभी यहाँ पे अपने को किसी चीज की नीड नहीं है। और सबसे बढ़िया बात आज के लिए हो रखी है कि अपने को ना बारी बारी खाना नहीं डालना पड़ता, बस अपने को एक बार खाना फुल करना पड़ता है, बाद में ऑटोमेटिक डालता रहता है। अभी अपन चलते हैं अपने एक्सपेंसिव चिकन कूप के अंदर। और यहाँ पे ये वाली मुर्गी देख रहे हो कितनी ऐसे मस्ती से बैठी है। देखो मुर्गी जी आज अपने एकदम बढ़िया ब्रांड न्यू घोड़ा लेके आने वाले हैं, तो आप एक्साइटेड हो गए एकदम मस्त से। देखो मैं तो यार काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुर्गी कह रही है मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बस तू घोड़ा लेके आ और मेरे को दिखाना। ओके ठीक है, बाकी यार आप भी कमेंट में बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो घोड़े के लिए। अभी यहाँ पे चलते अंदर की साइड में देख रहे हो कितने ज्यादा पिक्स हो गए हैं। हेलो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग यार, देख रहे हो ये कितनी मोटी हो चुकी है, किसी पिग है पिग नहीं, अपना काफी ज्यादा मोटा हो चुका है। और अंदर की साइड में यहाँ पे ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बट बाकी कितने मोटे मोटे हो गए हैं। अभी अपन इनको नहीं मारने वाले क्योंकि आज अपने को काफी ज्यादा खुशी है, अपन इनको बाद में मारने वाले हैं। यार खाना भी चेक कर लेते हैं, खाना और पानी इनका फुल हो रखा है, थोड़ा बहुत कम है तो मैं जाते टाइम ये खाना भी फुल कर देता हूँ ताकि बाद में यार इनको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि अभी देखो काफी ज्यादा पिक्स हो गए हैं। इन पिक्स के लिए यार अपने को काफी ज्यादा खाना भी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ से बाय करते हैं, 147 डॉलर का खाना अपन ने बाय कर लिया है। अभी अपना आराम से डलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसको भी फुल कर देते हैं। ये भी आराम से यहाँ पे चिल मारते रहेंगे और खाना खाते रहेंगे। बाकी यार अपने को बस अभी का अपना होस्ट लेके आना है, क्योंकि अपन ने जितना भी अपना रेंज का काम था ना वो सारा सारा कंप्लीट कर दिया है। बस अपने को लास्ट में जो अपनी गाड़ी थी ना ये भी पार्क में लगानी थी अपने गैराज में, ये अपन बाद में लगाएंगे, पहले अपन होस्ट लेके आने वाले हैं। उसके लिए मेरे को पता भी नहीं कि यार बोली कैसे लगती है, बस मेरे को एक ही बात का डर है कि मैं किसी खराब हॉर्स की ज्यादा प्राइस नहीं दे दूं। अगर बढ़िया होगा ना तो उसके अगर अपन ज्यादा प्राइस देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई घोड़ा खराब होगा अगर उसके अपन ज्यादा प्राइस दे देंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। और सामने की साइड में देख रहे हो अपने $50 कटने वाले हैं,
अपने बस के, जो कि अपने को यहाँ से दूसरे विलेज में लेके जाएगी, जिसका नाम है विलियम्स लाइव स्टॉक ओकेशन। तो सबसे पहले देखो, अपने पास रुपए की तो कोई कमी नहीं है, अपने पास काफी ज्यादा रुपए हैं, तो अपन सबसे पहले तो रुपए कटवाते हैं अपने $50। ओके डन, अभी अपन बस में बैठ के दूसरे विलेज में डायरेक्ट अपनी जहाँ पे भीड़ लगने वाली ना वहाँ पे आ चुके हैं। बाकी वाला घोड़ा देख रहे हो कितना बढ़िया है, एक सेकंड जल्दी जल्दी पहले तो इसकी भीड़ लगाता हूँ, क्योंकि इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, ऊपर से इसकी हैंडलिंग तो और भी ज्यादा बढ़िया है। बट बस इसमें एक ही दिक्कत है, वो इसका स्टेमिना, इसका स्टेमिना काफी ज्यादा कम है। और एक सेकंड, अभी देखो अपनी बीट तो कंप्लीट हो चुकी है, और उनको पता नहीं था कि वहां पे क्या चल रहा था, बस वो बारी बारी बड़बड़ा रहे थे, मैंने जितने डॉलर थे ना वो लगाते गया, और सामने की साइड में आप देख रहे हो अपने पास हॉर्स आज का बिल्कुल एकदम नया, वो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, इसका कलर भी मस्त है, अपने पास और भी कलर थे, बट अभी जो अपनी बीट थी ना वो इसी घोड़े की थी। सबसे पहले तो इसके ऊपर बैठते हैं, अभी अपन इसको भगा के देखने वाले की कितनी स्पीड में भागने वाला, देख रही भाई कितना तेज भग रहा है। और एक सेकंड अपन यहाँ से जंप करवा सकते हैं आराम से, ओ भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात है, आराम से अपन इतनी ऊंचाई पर जंप लगा सकते हैं। अभी पहले अपन यहाँ पे जंप आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस अपने को लास्ट यहाँ पे जंप लगाना है आराम से बांध के अंदर। ओ भाई नहीं नहीं यार, अपन पहले वापस से घुमाते हैं, अपने को साइड में नहीं जाना, मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ कि अपन डायरेक्ट अपने बांध के अंदर जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। तो सबसे पहले अपने को इस साइड में घुमाना है, अभी आराम से अभी अंदर की साइड में यहाँ से जंप लगाते हैं, डायरेक्ट जंप। ओ भाई कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, अपन बाहर से डायरेक्ट अंदर भी आ सकते हैं और अंदर से डायरेक्ट साइड तक बाहर भी जा सकते हैं। ये जंप, ओ भाई कितनी शानदार जंप है। तो सबसे पहले तो अपनी गाय के पास चलते हैं। देखो गाय जी, अपन बिल्कुल नया तगड़ा सा घोड़ा लेके आ गए, बिल्कुल आप जैसा कलर है, वैसे आप व्हाइट कलर नहीं है, अपनी गाय व्हाइट कलर की भी है, तो अपन व्हाइट वाला घोड़ा भी लेके आने वाले हैं। सबसे पहले तो इसको अपन अंदर की साइड में, यहाँ से यार ऊपर की साइड में भीड़ जाता है तो इस चक्कर में अंदर नहीं जा पा रहा, कोई नहीं अपन इसको बाहर निकालते हैं, उसके लिए अपन बढ़िया सा घर भी बनाने वाले हैं। पहले तो इसको पूरा राउंड मार के आता हूँ मैं, हार्ड स्टोर पे भी चलने वाले हैं, अपनी आंटी के पास भी चलने वाले हैं, और अपने बर्गर शॉप और सभी जगह लेके चलने वाले इसको, उसकी स्पीड भी चेक करने वाले हैं कि कितना ज्यादा ये भगता है। पहले तो मैं इसका स्टेमिना चेक करता हूँ, देखो अभी इसका स्टेमिना ना वो थोड़ा बहुत कम है, आपको राइट हैंड साइड में नीचे की साइड में दिखा रहा होगा, इसकी स्पीड है वो काफी ज्यादा है, इसकी हैंडलिंग है वो भी काफी ज्यादा है, बट जो इसकी हेल्थ है वो भी थोड़ी कम है, तो इसके लिए अपने को खाना वाना भी खिलाना होगा, और जैसे जैसे अपन इसको खाना खिलाएंगे वैसे वैसे इसका स्टेमिना भी बढ़ेगा, उसकी जो स्पीड है वो तो पहले से बढ़ी हुई है, हैंडलिंग भी पहले से बढ़िया है। अभी वापस से भगाते हैं इसको पहले, तो बाकी देख रहे हो मैंने यार एक हेट भी लगा रखी जो काफी ज्यादा शानदार लग रही है घोड़े के ऊपर बैठने के बाद में। यहाँ पे अंदर की साइड में चलते हैं, जो अपने कार डीलर वाले भैया ने इनको दिखाने वाले अपन जो घोड़ा लेके आए, तो पहले यहाँ से नीचे उतरते हैं, ये वाला ओपन किया, भाई भागना नहीं है, अंदर आओ वापस इस साइड में चलना, देख अंदर की साइड में चलना अपने को, अब मेरे को चिढ़ाना है क्योंकि देखो एक गाड़ी तो लेके आ रही नहीं है, बट अपना जो घोड़ा है वो तो आ गया, तो इसको अपन कहने वाले अब से कोई गाड़ी वुड़ी कोई चुत नहीं है। ठीक है ए अंकल जी, सामने की साइड में देखो मैं घोड़ा लेके आ गया, अब मैंने चाहे गाड़ी लेके आओ चाहे मत लेके आओ, मेरे पास घोड़ा आ गया, मेरे को कोई नीड नहीं है गाड़ी की, ठीक है ना, इतना ज्यादा टाइम हो गया अब तक के कोई गाड़ी नहीं लेके आए, वही के वही सारी की सारी पुरानी पुरानी गाड़ियां हैं, तो इससे तो बाहर निकलते हैं। अभी अपन चलने वाले अपनी बर्गर शॉप पे, उससे भी चल के बात करने वाले हैं, एक सेकेंड पहले मैं दौड़ा के देखता हूँ कि अपने हिरन के बराबर जा सकते हैं, या फिर अपन एक सेकंड यह भी तो कर सकते हैं कि इसके पीछे दौड़ा के अपने हिरन को मार, नहीं यार अपन गन भी नहीं निकाल सकते, वरना तो इसके पीछे दौड़ाते और डायरेक्ट को गोली मारते। देखो एक हिरन अपना ये रहा, हेलो क्या हाल चाल है, देखो अभी मैं तेरे से भी पास भाग सकता हूँ तो कितनी दूर भागेगा, बस दिक्कत यही है कि अपन गन नहीं ले सकते। छोड़ो अभी चलते हैं अपन अपने बर्गर शॉप पे, हेलो गुड मॉर्निंग, वैसे उसको यहाँ से सुनाई कहाँ दे रहा होगा, पहले अंदर की साइड चलते हैं। हेलो ये देखो बिल्कुल नया ब्रांड न्यू घोड़ा लेके आज को कैसा लग रहा है, ये भी कर रहा बिल्कुल मस्त लग रहा है, पहले तो इसको मेरी शॉप से बाहर लेके जाओ वरना मेरी शॉप को खराब कर देगा, तो कोई नहीं अपन बाहर लेते हैं। अभी अपन यहाँ से डायरेक्ट चलने वाले अपनी आंटी के पास, तो जल्दी से इस घोड़े को भगाते हैं, और बाकी देख रहे हो भागते कितना शानदार लग रहा है अपना बंदा भाई, बिल्कुल मतलब जैसे रियलिटी फील आ रहा है कि अपन किसी घोड़े पे बैठे हैं उसको भगा रहे हैं। बाकी इसमें एक फीचर होगा कि जैसे ये थोड़ी देर भागेगा उसके बाद में थोड़ा थक जाएगा, थोड़ा स्लो होगा, बाद में थोड़ी देर बाद में वापस भागेगा, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक फील दिलाता है। अभी इसको घुमाते हैं इस साइड में, और बाकी इसको चलाने में इतना ज्यादा फील आ रहा है। और एक सेकेंड यहाँ पे भी एक बोर्ड है, मतलब कि अपन यहाँ से भी वहां पे जा सकते हैं, तो अपन जाके देखें, आराम से गए एंटर। अब की बार एक दूसरा घोड़ा आ रखा है, इसको अपन नहीं लेने वाले क्योंकि ना ही तो इसका स्टेमिना अच्छा है, ना इसकी स्पीड अच्छी है, बस इसकी हैंडलिंग अच्छी है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, इस घोड़े को अपन इनको लेने देते हैं, अपन भाई कुछ भी नहीं लेने वाले, अपन कोई बढ़िया सा नया सा घोड़ा आएगा तो अपन उसको लेने वाले हैं। तो ये बिल्ड पूरी कंप्लीट होती है, इसको स्किप करो भाई, ये नहीं लेने वाला मैं, ये व्हाइट कलर वाला बढ़िया है दिखने में, बट यार इसकी हेल्थ बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, उसको अपन एक बारी के लिए क्या, व्हाइट कलर का काफी
ज्यादा शानदार लगने वाला है। एक परी के लिए मैं लेता हूँ ये वाला बीड। ओके आराम से बीड करते हैं। बीड सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ भाई, इसको जितनी प्राइस होगी वो सारी की सारी देने वाला हूँ, क्योंकि यार दिखने में काफी ज्यादा मस्त लगने वाला है। व्हाइट कलर का जो घोड़ा होगा, बाकी अपना घोड़ा आ चुका है। और ये क्या, डायरेक्ट अपन वहां से यहाँ पे आ गए, इसका मतलब अपन एक बारी में शायद तक एक ही घोड़ा ले पाएंगे, क्योंकि अपन डायरेक्ट आंटी जी से यहाँ पे आ चुके हैं। इस घोड़े के भी अपन टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं। ये दिखने में तो यार काफी ज्यादा शानदार लग रहा है, देख लो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। बट इसकी स्पीड उसके जितनी नहीं है, उससे भी कम थोड़ा दौड़ रहा है। तो पहले अपन चेक करने वाले हैं आंटी के पास, अगर वो घोड़ा भी होना तो अपन एक काम करेंगे, अपन एक ही बारी में तीन या चार चार घोड़े रखेंगे अपने पास, ताकि उन सभी को अपन पाल सकें। और अपने को जिसकी नीड होगी ना, अगर अपने को फास्ट की नीड होगी तो अपन फास्ट वाले को लेके जाएंगे, अगर अपने को स्लो की नीड होगी तो स्लो वाला लेके जाएंगे। और बाकी यार आप भी मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको सबसे अच्छा कलर कौन सा लगता है हॉर्स का, अपन वही वाला लेने वाले हैं। अब भी देखो सामने की साइड में अपन ने यहीं कहीं पे जो अपना वो वाला हॉर्स था उसको रखा था, बस वो यहाँ से गायब ना हो गया हो। और इसका स्टेमिना भी यार काफी ज्यादा कम है, ये काफी ज्यादा जल्दी थक जाता है, मतलब उस जितना भाग भी नहीं पाता और उस जितना स्टेमिना भी नहीं इसका। बाकी अपना हॉर्स सामने की साइड में है, मतलब अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अपन चाहे एक बारी में एक हॉर्स लो, चाहे दो हॉर्स लो, या फिर चाहे अपन तीन तीन हॉर्स लो। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये जो ये वाला हॉर्स है ना अपना, इसको अपन लेके चलते हैं अपने रेंज में, उसको अपन डायरेक्ट रखने वाले अपने बांड के अंदर। और बाद में मैं ना इन सभी के लिए एक नया बिल्कुल एकदम मस्त अपन बांड बनाने वाले हैं, जो कि सिर्फ फोर्स फोर्स का होगा, जहाँ पे अपन हर टाइप का हो सकने वाले हैं, कम स्टेमिना ज्यादा स्टेमिना मतलब कि जितने टाइप के हॉर्स होंगे ना वो सारे के सारे अपन रखने वाले हैं। तो यहाँ से आराम से चलते अंदर की साइड में, और बाद में अपन लेके आने वाले अपना दूसरा हॉर्स। अभी मैं वहां से डायरेक्ट साइड में आ गया हूँ, तो अपना हॉर्स ना वो डायरेक्ट अपने को यहीं पे मिल गया है, ये कहीं पे नहीं जाता, डायरेक्ट अपने पास से आने वाला है, तो इसको भी लेके चलते हैं। और बाद में जो अपना सबसे खतरनाक घोड़ा है अपन उसको लेने वाले हैं। बट उससे पहले एक सेकेंड, अपने नानी जी के पास घोड़ा दिखाने के लिए आए थे, वो तो अपने दिखाया नहीं। पहले इस साइड में चलना अपने को, उसकी स्पीड और जो देख रहे हो कितनी ज्यादा तेज है, उससे भी ज्यादा तेज का घोड़ा एक और है, वो भी अपन लेने वाला है। इससे पहले नीचे उतरते हैं। हेलो आंटी जी, गुड इवनिंग। सो मैं देखो सामने की साइड में अपन बिल्कुल एकदम नया मस्त घोड़ा लेके आ गया हूँ। आंटी जी कह रही है बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे तीन चार टाइप के घोड़े और हैं, उनमें से भी तो कोई बढ़िया सा वो ले सकता है। ठीक है आंटी जी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो देखो मैं चल रहा हूँ, इसको भी बाउंड हाउस में लेके चलना है, बाद में एक बढ़िया सा स्टेमिना का घोड़ा है मैं वो भी लेने वाला हूँ। ठीक है, बाय बाय। तो ठीक है, गुड नाइट। वैसे आंटी जी कह रही है मैं तभी सोने वाले ही, तो यहाँ से चला जा, आराम से जंप लगाते हैं, इसको भगाने वाले हैं डायरेक्ट अपने बाउंड हाउस तक, क्योंकि ये इसकी स्पीड भी बढ़िया है, उसकी जंप भी बढ़िया है। अभी मैं भगाते भगाते अपने हॉर्स को रेंज के अंदर लेके आ चुका हूं, आराम से अंदर की साइड जंप लगाते हैं। और आपने देखा कि ये वाला घोड़ा आराम से जंप लगा दी, इसने कोई दिक्कत नहीं है इसको। अभी देखो मैं एक चीज सोच रहा हूँ, अपने के नाम भी देने वाले, इसका नाम कुछ अलग रखने वाले हैं, तो इसका नाम अपन कुछ अलग रखने वाले हैं। तो आप मेरे को कमेंट बताओ कि इनका नाम है अपन क्या क्या रखें। बाकी एक हॉर्स में और लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए पहले बाहर चलते हैं। घोड़ बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, हाँ बस घोड़ा बाहर नहीं आना चाहिए। और अभी तो अपन सो जाते हैं, ताकि सुबह उठ के बिल्कुल नया सा हॉर्स ले सकें। तो अभी मैं सो के तो उठ चुका हूँ, जल्दी से बाकी साइड चलते हैं। तो पहले तो अपन अपने हॉर्स को चेक करने वाले हैं, कि वो बिल्कुल एकदम बढ़िया से घूम तो रहे ना, अंदर की साइड में देख रहे हो तो अपने हॉर्स ना उनकी हेल्थ बिल्कुल अलग से दिखा रहा है। जो अपने हॉर्स है वो भी सो रहे थे अभी अभी, अभी बस उठे उठे हैं, देख रहे हो उठते कैसे भागने लगा ये वाला हॉर्स भी। और जो अपना व्हाइट कलर वाला है ये भी बिल्कुल मस्ती से घूम रहा है। अभी लास्ट फाइनली अपने को लेके आना एक और हॉर्स, बस दिक्कत अभी एक और की है, क्योंकि यहाँ पे देखो पिक्स काफी ज्यादा हो रखे हैं, तो इनको घूमने में भी दिक्कत आ रही है, तो वो भी अपने को सोल्व करनी होगी। लेकिन उससे पहले अपन लेने वाले हैं एक और ब्रांड न्यू घोड़ा। अभी मैं वापस से यहाँ पे आ गया, पहले अपने को $50 कटवाने हैं। अभी सामने की साइड में एक होस्ट है, लेकिन यार इसकी जो स्टेमिना वो बिल्कुल भी, तो अपन ये वाला नहीं लेने वाले, इसको स्किप करते हैं। बाकी देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, वीडियो लगी जल्दी जल्दी लगा रहे हैं। और ये वाला ये तो अपने ले लिया पहले, ये वाला भी नहीं लेने वाले। ये वाला सबसे शानदार लगा, क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा है, बाद इसके हैंडलिंग है वो थोड़ी बहुत ठीक है, स्टेमिना ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए बिल्ड लगाता हूँ, और ये वाला पक्का मेरे को जाते लगता है 10 से $15,000 के बीच में अपने को मिलने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड का घोड़ा है, उसके लिए अपने काफी ज्यादा डॉलर्स पे करने होंगे। तो बिल्ड भाई मैं बिल्ड लगाने वाला हूँ, तो तुम कितना ही बोल रहे हो, जितना मन में हो तो कटवो करो। और अभी फाइनली अपनी बिड कंप्लीट हो चुकी है, और बाकी साइड में अपना ब्रांड न्यू हॉर्स आ चुका है। तो हेलो घोड़े जी, बताओ कैसे भगने वाले हो आप, एकदम बढ़िया भगने वाले ना, कोई दिक्कत नहीं आई ना, उन दोनों से बढ़िया बिल्कुल है ना, ये कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम मस्त से भगने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अपन इसको भगा के देखते हैं, बाकी देख लो उसकी स्पीड उनसे भी काफी ज्यादा तेज है, और उसकी जंप तो और भी ज्यादा ऊंची है। तो सबसे पहले तो अपन भगाते हैं इसको, और सामने की साइड से भी देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, बट जो कलर है ना वो सबसे ज्यादा मस्त लग रहा है अपने व्हाइट वाला घोड़े का। इसका कलर इतना मस्त नहीं लग रहा, येलो येलो कुछ बढ़िया नहीं लग रहा, या तो ब्लैक कलर मस्त लगता है या फिर व्हाइट कलर। तो अभी देखो गाइस अपन ने तीन तीन घोड़े भी ले लिए, उनका पूरा टेस्ट भी ले लिया, कौन सबसे ज्यादा भागता है,
बट अभी लास्ट अपने को इनके लिए एक बढ़िया सा बांध भी तो बनाना है ताकि उसके अंदर ये रह सके और काफी ज्यादा बढ़िया से घूम सके और बढ़िया बढ़िया ये प्रैक्टिस भी कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने को एक बढ़िया सी जगह चाहिए जो कि मैं सोच रहा हूँ अपन यहाँ पे बनाने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए बनने वाला है, नीचे की साइड में उतरते हैं, बिल्ड मोड ले चलता हूँ, उसके लिए बनने वाला है लास्ट लास्ट में एक अपने पास बिल्कुल नई चीज आई है जो कि है ये वाली, वो काफी ज्यादा बड़ी भी है। ये वाला देख रहे हो, ये इतना ज्यादा बड़ा है कि ये बीच में आ नहीं सकता, और अगर अपन इसको बीच में लगाएंगे ओ यहाँ पे आ सकता है, बट अगर अपन इसको बीच में लगाएंगे कोई मतलब नहीं है क्योंकि बाद में अपन अंदर की साइड में ही नहीं जा पाएंगे। तो इसको अपन यहाँ पे नहीं बनाने वाले, अपन अपना होर्स का थोड़ा सेपरेट से और बढ़िया सा बनाने वाले हैं। तो एक सेकेंड, एक बॉडी, हेलो हेलो, पीछे की साइड में आगे बगना नहीं है, वैसे हाँ ज्यादा दूर जाता नहीं है, अपने पास ही रहता है थोड़ा क्लोज में ही। अभी पहले अपन इस साइड में चलते हैं, तो ये सामने की साइड में आपको एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया काफी ज्यादा शानदार और काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे अपन इस साइड से लेके सामने की साइड यहाँ पे आराम से बना पाएंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई पहले से पेड़ है, तो ना तो अपने कोई पेड़ काटने की जरूरत है, अपने कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ से नीचे उतरते हैं, सबसे पहले वापस चलते हैं बिल्ड मोड में, इसको बनाते हैं यहाँ पे आराम से, थोड़ा पीछे की साइड में बनाता हूँ ताकि अपन आराम से आ सके साइड में, अभी ठीक है। और ये वाला हो जाएगा अपना फ्रंट डोर ताकि अपन यहाँ से आराम से एंटर भी कर सकते हैं। सबसे पहले इनके लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को वुडन प्लैंक चाहिए 100 और बाद में अपने को 4 मेटल चाहिए। तो मेटल की तो कोई कमी नहीं है, बट यार मेरे को ना लकड़ियों की थोड़ी बहुत कमी लगती है, क्योंकि लकड़ी थी ना उस सारी की सारी अपन ने पूरा का पूरा काम कर लिया उनका, अभी काफी ज्यादा कम लकड़ियाँ पड़ी है। और एक चीज हो यार, इसके अंदर ट्रेनिंग करेंगे ना उसके बाद अपनी हॉर्स की रेसेज होने वाली है, उसके अंदर अपने को फर्स्ट आना है, तो इसीलिए मैं आज ही बना रहा हूँ ताकि बढ़िया सा प्रैक्टिस करें हॉर्स के लिए। और अभी अपने पास एक ट्रेलर था जिसके अंदर काफी ज्यादा लकड़ियां पड़ी थी, बट यार वो भी सारी की सारी खत्म हो गई है। तो अपने को जहां तक मेरे को लगता है पहले हार्डवेयर स्टोर पे चलना होगा, फिर अपने को लकड़ियां भी लेके आनी होगी, क्योंकि अपने पास अभी सिर्फ और सिर्फ 16 ही प्लैंक्स है, देख रहे हो सामने की साइड में जो ये पड़े हैं। तो पहले अपन गाड़ी को निकालते हैं और डायरेक्ट चलते हैं अपने हार्डवेयर स्टोर पे। चाहे मैं हार्डवेयर स्टोर पे तो आ गया हूँ, वैसे आप सोच रहे हो यार ये लकड़ी काट भी सकता था, क्योंकि लकड़ी काटने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने लकड़ी काटी नहीं, मैं सोचा कि यहीं से ले लेते हैं, अपना टाइम भी बचेगा और जल्दी से अपना रेडी भी हो जाएगा। तो अभी मैं लेने वाला हूँ 10 प्लैंक्स के बारे में, 10 प्लैंक्स से शायद तक काम हो जाना चाहिए यार, 10 से नहीं होगा, अपने को कम से कम 15 तो लेनी होगी, यहाँ अपन 15 लेने वाले, 15 अपनी ये है, अपने पास 2 पहले से पड़ी है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आराम से अपना सारा काम डन हो जाएगा। इसको करते हैं कट, अभी निकलते हैं बाकी साइड में, जितने भी अपने पास प्लैंक्स है ना इस साइड के सारे अपने ट्रेलर में रख लेता हूँ। अभी देखो वहां से तो साइड की सारी लकड़ियां मैं लेके आ गया हूँ अपने रेंज के अंदर, बाकी वहां पे मैंने 4-5 लकड़ियां और एक्स्ट्रा ले ली थी ताकि अपनी वहां पे कम ना पड़े, वरना अगर कम पड़ती ना तो अपने को वापस से आना पड़ता। तो ट्रेलर को थोड़ा सा सामने की साइड में लेते हैं, अभी यहाँ पे आराम से लगाते हैं जितनी भी लकड़ियां हैं, साई के साई लगाने वाले हैं। वैसे जहां तक मेरे को लगता है कि साई के साई लकड़ियां लग जाएंगी, क्योंकि ये 100 से कम ही है या फिर 100 फिक्स है, या फिर थोड़ी बहुत ज्यादा होंगी, ज्यादा ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो 1 साइड में ये वाली 2, ओ आराम से 13 के अंदर अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी भी अपनी काफी ज्यादा प्लैंक्स बच गई हैं, इनको रहने देते हैं, बस अपने को लास्ट क्या लेके आने हैं, अपने को लास्ट 4 मेटल्स लेके आने हैं, उसके बाद में अपना जो पूरा है रेडी हो जाएगा, उसका एंट्रेंस गेट है ना ये तो यार काफी ज्यादा मस्त है। तो सबसे पहले तो मैं लेके आता हूँ मेटल, जो कि अपने को सिर्फ और सिर्फ 4 चाहिए, और मेटल की तो यार कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि सामने की साइड में देख रहा हूँ अपना पूरा का पूरा ट्रेलर भरा पड़ा है मेटल का। और अपन एक काम और करने वाले, अपन साथ ही साथ में ना कलर भी कर देंगे इसको, बट कलरिंग अपन आज नहीं करने वाले, अपन कलरिंग बाद में करने वाले हैं। तो 1, 2 और 3 ये वाला मेटल भी लगा दिया अपन ने, और पूरा का पूरा रेडी भी हो चुका है। और एक सेकेंड, ऊपर की साइड में देख रही हो अपना हॉर्स का साइन भी है, जो कि काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। इसके अंदर एक डिफरेंस और भी है, वो ये है कि जो इस साइड में बाउंड्री है काफी ज्यादा ऊंची है, ताकि ना जो अपना हॉर्स है वो जंप लगा के बाकी साइड में ना आ सके। बाकी इसका गेट ओपन करते हैं, ये वाला गेट ओपन किया और ये वाला भी ओपन किया, काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। अभी देखो क्या है कि जितना भी बाहर की चीजें ना ये सारे की सारी वुडन की है, बट जो अपना अंदर के साइड में ये वाला है ये सारा का सारा मेटल का है। तो सबसे पहले तो मैं हॉर्स को अंदर की साइड में लेके आता हूँ, बाकी यहाँ पे अपने को यार खाना वाना भी डालना होगा ताकि वो खाना वाना आराम से खा सकें। और अपना घोड़ा, ओ अपना घोड़ा आराम से गैराज के अंदर घूम रहा है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर बैठते हैं, इसको लेते हैं अंदर की साइड में, उसको बढ़िया से ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि इसका स्टेमिना, उसकी हेल्थ और सब कुछ बढ़िया से ग्रोथ हो जाए। तो पहले अपने को थोड़ा सा इस साइड में घुमाना है, आराम से अंदर की साइड में, सबसे पहले इसको दौड़ाते हैं यहाँ से जंप, ओ आराम से। अब इसको इस साइड में घुमाने वाले हैं, लेकिन इसको घुमाना काफी ज्यादा हार्ड है, क्योंकि इसका कंट्रोल इतना बढ़िया नहीं है,
तो अभी गाइस यहाँ मेरे को काफी ज्यादा टाइम हो गया इसको घुमाते घुमाते, इसको मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग तो करवा दी है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको एक यहाँ पे रखते हैं, उसके लिए अपने खाने का और पानी का फिल्टर बना देते हैं ताकि आराम से यहाँ पे खाना वाना खाता रहे, उसको कोई दिक्कत भी ना आए। और अभी मेरे को पक्का बताइए बाहर निकलने की ट्राई करेगा, तो इसके लिए ये वाला बंद कर देते हैं। और अंदर की साइड में चलने के बाद में मैं सोच रहा हूँ कि अपन यहाँ पे बनाए या फिर बाहर की साइड में बनाए। बाकी एक चीज सोच रही हूँ, अपन ये खाना इसके जस्ट बाहर भी तो खा सकता है, फिर अंदर की साइड में देखो पूरा का पूरा घुमाने का एरिया है, यहाँ पे खाना पीने का एरिया नहीं है, ये तो इसका पूरा ट्रेनिंग एरिया है। तो भाई अंदर की साइड में बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले फीडर, अपन फीडर बनाने वाले हैं बाहर की साइड में। तो पहले इसको ओपन करते हैं, इसको किया क्लोज, अभी फीडर अपन इस साइड में बना लेते हैं ताकि घोड़ा अंदर की साइड से आराम से यहाँ पे आराम से खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फीडर के लिए अपने पास जो फीडर है वो ये वाला नहीं है, पीछे की साइड में ये रहा अपने पास, अपन इसके लिए वो फीडर लगाने वाले हैं जो कि अपन ने पिक के लिए लगाए थे। ये पानी वाला है और ये अपना खाने वाला है ऊपर की साइड में, जो ये वाला है ये खाने वाला। इनके अंदर क्या क्या लगने वाला है, इसके अंदर 16 प्लेक्स इनके अंदर और 16 के इसके अंदर, जो कि अपने पास पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वन, अभी देखो मैंने खाने और पानी का फीडर तो बना दिया है बट मैं इनके अंदर खाने नहीं डाल रहा, क्योंकि मैंने सोचा कि अपन इसके जस्ट इस साइड में ना बांड हाउस बनाने वाले हैं हॉर्स का, वहाँ पे हॉर्सेज रहने वाले हैं और उसके अंदर काफी ज्यादा फीडर्स भी रहने वाले हैं, आराम से खाना खाएंगे पानी पिएंगे। उनके लिए अपन ऑटोमेटिक फीडर और ऑटोमेटिक अपना पानी वाला बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब भी अपने वो ट्रेनिंग करवानी होगी ना, तो अपन अपने बांड हाउस से हॉर्स को निकालेंगे, यहाँ पे लाएंगे और बढ़िया से ट्रेनिंग करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो देखो अगर बारिश होगी तो हॉर्स भीगेंगे और भीगने के बाद यार बीमार भी पड़ सकते हैं या फिर उनका स्टेमिना कम भी हो सकता है, तो अपन बाहर तो रखने वाले नहीं है। बाकी यार मेरे को कमेंट बताना कि आज अपने जो तीन हॉर्स लिए थे ना, उनमें से सबसे अच्छा हॉर्स आपको कौन सा लगा, और साथ में मेरे को कमेंट में ये भी बताना कि इनका अपन क्या क्या नाम रखे, बढ़िया बढ़िया से नाम बताना कमेंट में, अपन वो भी रखने वाले हैं। और अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ ही में इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब ले गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर।